नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जो आने वाले UPSC UPPSC की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह टेस्ट सीरीज भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर आधारित है। तो हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या फिर 15 अगस्त। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसके द्वारा कहकर संबोधित किया गया? विंस्टन चर्चिल, ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट या फिर यम ए जिन्ना? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान सभा में हिंदुओं के प्रभुत्व को देखते हुए लॉर्ड विस्काउंट ने इसकी आलोचना हिंदुओं का निकाय कहकर किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? बताना है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया वो किसके आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव या फिर माउंट बेटन योजना? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष व हरिश्चंद्र मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 10, 13 या फिर 12? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए युग्म पर विचार करिए और बताइए कि किसका सुमेल सही नहीं है। संविधान सभा के समितियां और उसके सामने दिया गया उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है प्रारूप समिति, बी आर अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। ऑप्शन डी है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? के एम मुंशी। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ से लेकर 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब तक भारत सरकार किस अधिनियम के आधार पर कार्य करती रही? भारत शासन अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर कार्य करती रही।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का सिद्धांत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 3 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 1 वर्ष 11 माह और 18 दिन या फिर 3 वर्ष 1 माह और 10 दिन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा को संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 बैठकें हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो सीटों का बंटवारा किया गया था, किन किन सीटें समान थीं? पहला ऑप्शन है भारतीय ईसाई व जनजातियाँ, पारसी व सिख, सिख व एंग्लो इंडियन या फिर भारतीय ईसाई एंग्लो इंडियन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारतीय ईसाई व जनजातियाँ। उत्तर ये कि संविधान सभा में भारतीय ईसाई व जनजातियों को 6-6 सीटें मिली। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? गणतंत्र, महिलाओं के लिए समान अधिकार, कल्याणकारी राज्य या फिर उपर्युक्त सभी? तो उसका सही उत्तर बताना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गणतंत्र, महिलाओं के लिए समान अधिकार, कल्याणकारी राज्य, सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात अभी तक बड़ी मात्रा में उसमें संशोधन किया गया है, जिसका कारण है, पहला, बहुत से संशोधन राजनीतिक सहमति के परिणाम हैं, दूसरा, भारतीय संविधान का अत्यधिक लचीला होना, या तीसरा, बड़ी संख्या में संविधान संशोधन मूल उपबंधों की व्याख्या से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि केवल एक सही है, या ऑप्शन बी, केवल दो सही है, सी, 1, 2, 3 सभी या फिर डी, 1 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3। संविधान संशोधन का अधिक संख्या में होने का कारण राजनीतिक सहमति व संविधान के मूल उपबंधों की व्याख्या से संबंधित होना है, क्योंकि भारतीय संविधान न तो अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता के प्रावधान हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अगस्त प्रस्ताव। भारत के लिए पहली बार संविधान सभा की स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज मानने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए, संविधान समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है।
यह जीवित प्राणियों की तरह अनुभव से सीखता है। हर प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज मानने के लिए उपयुक्त है? संविधान समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के रूप कार्य करता है, यह जीवित प्राणियों की तरह यह भी अनुभव सीखता है, ऊपर एक दोनों कथन सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है व यह जीवित प्राणियों की तरह अनुभव से सीखता है। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।